हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तेज प्रताप फ्रॉम आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट। ए मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपीज 1200 ईच। मतलब क्या हुआ, एक मर्चेंट है, एक व्यापारी जिसके पास में 78,592 रुपीज है अभी, ठीक है। उसने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स के लिए। 40 रेडियो सेट्स के लिए उसने एक ऑर्डर प्लेस किया और एक जो रेडियो सेट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है, कॉस्ट है 1200 रुपीज। तो हमको लास्ट में बताना है हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। मतलब जो उसने रेडियो सेट्स परचेज किए हैं उसके बाद में कितने रुपए उसके पास में और अभी बचे रह जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, देखिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या करें, हम जो रेडियो हैं उनकी कॉस्टिंग निकाल लें कि 40 रेडियो कितने रुपए के आएंगे, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 1200, ठीक है। उसने कितने प्लेस किए ऑर्डर, 40 रेडियो सेट्स के लिए। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो कितना हो जाएगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक कितने का है 1200 का है, 40 का हमको कॉस्ट निकालना है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का आएगा कि आपको सिंगल पीस की वैल्यू दी गई है और आपको ज़्यादा पीस की वैल्यू, एक से ज़्यादा पीस की वैल्यू बतानी है, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 40 के साथ में। मतलब एक का कॉस्ट कितना है 1200, हमको कितने का बताना है, 40 का बताना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करें तो देखिए, मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका मेरा क्या है, आप देखना, मैं सिर्फ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो को भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो 12 फोर जा 48, 12 फोर जा कितना होगा 48, और जीरो अब मैं वापस ले 1230 यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो कितना हमारा आंसर आ गया 48,000। आप भी जीरो वाले मल्टीप्लाई को इस तरीके से ही करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और ईजी भी हो जाएगा। देखिए आपको जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो को आपको छोड़ देना है, आप सिर्फ नंबर डिजिट्स जो है उनको मल्टीप्लाई करिए। 12 फोर जा कितना होता है 48 हो जाए, बाद में 1230 हमने यहाँ पर ऐड कर दी, तो कितना आ गया हमारा 48,000, ठीक है। अब हमको ये बताना कितने रुपए उसके पास में अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखो मर्चेंट, ए मर्चेंट हैज विद हर, उसके पास में सी हैड मनी, उसके पास कितने रुपए थे, तो कितने रुपए थे देखिए, रुपीज 78,592 रुपए थे, ठीक है। सी हैड, उसने क्या कर दिया, खर्च कितने कर दिए, खर्च कर दिया उसने 48,000। सी हैड स्पेंड, उसने कितने स्पेंड कर दिए 48,000, ठीक है। और मनी लेफ्ट, हमको बताना है कितनी मनी उसके पास में अभी लेफ्ट है, बची हुई है, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए अगर हम ऐसे रहे, आपके पास में 50 रुपीज़ अभी हैं, 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ का आपने कोई सामान दुकान शॉप से परचेज कर लिया, कोई आपने सामान ले लिया, तो कितने रुपए बचे, 50 आपके पास में थे, 20 का सामान ले लिया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कितना बचा 30 रुपीज़ आपके पास में बचे। सेम वही हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, टोटल जो रुपीज़ हैं वो 78,592 है, 48,000 का उसने प्लेस ऑर्डर किया, कितना है 40 रेडियो सेट्स का, मनी लेफ्ट जो है वो हमको बतानी है, सब्ट्रैक्ट कर दे 2 9, देखो 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 0, और 7 माइनस 4 3, तो उसके पास में अभी कितने रुपए बचे हुए हैं 30,592 रुपए उसके पास में अभी बचे हुए हैं लेफ्ट है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।